बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जानी मानी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो हर अलग जेनर की फिल्म करते हैं। हालांकि उनके सीक्वल्स जो हैं काफ़ी कम नज़र आते हैं, लेकिन अब अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज़ के बाद अक्षय कुमार की एक और बड़ी फिल्म आप सभी के सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओ माई गॉड से आप सभी लोग वाकिफ होंगे ही। अब इसका सीक्वल आने वाला है। जहाँ पहले पार्ट के अंदर हमें परेश रावल और अक्षय कुमार की जोड़ी देखने को मिली थी, तो वहीं हमें पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार एक साथ इसके सेकेंड पार्ट में नजर आ सकते हैं। खबरें ये है कि अमित राय इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। ओ माई गॉड की बात करें तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के अंदर भगवान का किरदार निभाया था और जो भी देश में चल रही मिथ्स हैं उन्हें बस्ट करने की कोशिश की थी। वहीं इस फिल्म की अगर बात करें तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक इंसान की अर्थक्वेक की वजह से दुकान गिर जाने की वजह से वो कर देता है भगवान पर ही केस और फिर केस लड़ने पहुँच जाता है कोर्ट में। हालांकि कोई वकील उसे नहीं मिलता और सिर्फ साथ मिलता है तो भगवान का। इस फिल्म से गाने भी काफ़ी मशहूर हुए थे। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में गाना लोगों को बहुत पसंद आया था। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि ओ माय गॉड के सेकंड पार्ट के लिए आप लोग हैं कितने एक्साइटेड। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देखो देखो को, ताकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर अपडेट यहीं पर मिले सबसे पहले। Thank you.